चैप्टर 12 में, आपका चैप्टर 12 का नाम है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। चैप्टर जो आपका 12 है सीआरपीसी में, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस यानी कि पुलिस को जो सूचना दी जाती है एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका क्या क्या अधिकार, क्या क्या उसके पावर हैं, इस बारे में चैप्टर 12 आपका बात कर रहा है। आपके सीआरपीसी में कहीं भी ये जो वर्ड है एफआईआर वो नहीं लिखा गया है। आप पूरे सीआरपीसी में देख लीजिएगा कहीं पे एफआईआर नहीं है, मतलब अलग से कोई सेक्शन इस तरह से लिखा हुआ है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करके, कोई सेक्शन नहीं है। लेकिन ये पूरा चीज हम लोग सेक्शन 154 में कवर करते हैं ये चीज। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बहुत लोग इसको गलत गलत बोलता है इसको, ठीक है ना, कोई बोलता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कोई कुछ, लेकिन ये होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सेक्शन 154। पहले हम इसको सेक्शंस बताते हैं और इसके बाद ये क्वेश्चन मेंस में बनता है। ये क्वेश्चन जो है आपके जुडिशरी के मेंस में बनता है एफआईआर से रिलेटेड। क्या क्या पॉइंट पर हम लोग डील करेंगे, क्या क्या पॉइंट हम लोग को लिखना है, हम लोग वो बात करेंगे। किस किस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे हम लोग, ये चीजें हम लोग देखेंगे। सेक्शन 154 सब सेक्शन 1, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवेन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवेन इन राइटिंग और रिड्यूस्ड टू राइटिंग एज एफोरसेड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी इंटर्ड इन ए बुक टू द केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। ये आपको सेक्शन 154 का जो वन है वो लिखा हुआ है, सब सेक्शन वन में जो लिखा हुआ है। ओके, ये आपका लिखा हुआ बैरेट का लैंग्वेज है। अब इसमें क्या क्या चीजें निकल कर आ रही है वो हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको मेंस के लायक, मेंस के तरीके से आपको प्रिपेयर करना है इस बार सेक्शन 154 को। ये जो 154 का इतना पढ़े हम, इसके लिए हमारा जो पॉइंट होता है, हमारा जो टॉपिक होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछता है कि एफआईआर का क्या क्या इसेंशियल है। जुडिशरी में एक क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना, कि एफआईआर का क्या क्या इसेंशियल है या एफआईआर में क्या क्या कंटेंट, क्या क्या होना चाहिए या उसका क्या मैनर है, मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग एफआईआर, यहां लिखे भी हैं हम, वो मैनर बताइए हमको, वो तरीका बताइए ऑफ रिकॉर्डिंग एफआईआर, एफआईआर जो लिखा जाता है उसका क्या मैनर है। ओके, तो इस वाले जो पढ़े हम सेक्शन उसका जवाब आपको यहां से मिलेगा या पूछेगा इसेंशियल क्या क्या है इसके, इसेंशियल क्या क्या है एफआईआर के। तो पहले हम इस सेक्शन को एलोबरेट करते हैं फिर उसका ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे हम लोग। आइए, अब इसमें देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है, आप लोग अंडरलाइन करते चलिएगा, राइट डाउन करते चलिएगा। सबसे पहला लिखा हुआ है एफआईआर किसको जाएगा, तो कहता है इट इज गिवेन बाय द इंफॉर्मेंट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो यह चीज देख लीजिए कि यह लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। क्या कौन सा मामला होना चाहिए, कॉग्निजेबल मामला होना चाहिए, कॉग्निजेबल मामला होना चाहिए। और कॉग्निजेबल मामला क्या होता है ये हम लोग डिफिनेशन क्लॉज में पढ़े हुए हैं, वहां से आप लोग इसको देखिएगा कॉग्निजेबल केसेस किसको बोलते हैं। कॉग्निजेबल हम आपको पिछले क्लास में बताए भी हैं पुलिस किस किस केस में आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वहां भी कॉग्निजेबल एलोबरेट किए थे हम।
तो अब उसमें हम नहीं जाएंगे। सिंपल सा चीज है कि कॉग्निजेबल मामले में, कॉग्निजेबल केसेस में जो होगा क्या होगा, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसा कोई मामला जो कॉग्निजेबल अपराध से रिलेटेड होगा, अब सुनिएगा क्या क्या चीज है। इट इज गिवेन बाय द इंफॉर्मेंट, कोई भी इंफॉर्मेंट हो सकता है, हम आप कोई भी जो सूचना देने वाला होगा, जिसने कि अपराध को होते देखा या अपराध के बारे में उसको जब कभी जानकारी मिली, ओके, तो इंफॉर्मेंट क्या करेगा, इसकी सूचना किसको देगा, टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के जो उस वक्त जो ऑफिसर इंचार्ज होगा उसको जाकर इस ऑफेंस के बारे में बताएगा। क्लियर, इस चीज को आप लोग जो है राइट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला एसेंशियल क्या है या पहला मैनर क्या है, तो सबसे पहला जो इसमें कह रहा है, इट इज गिवेन बाय द इंफॉर्मेंट, इंफॉर्मेंट के द्वारा दिया जाएगा किसको, टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, एक हो गया। सेकेंड नंबर सुन लीजिए, इट मे बी गिवेन आइदर ओरली और इन रिटेन और इन राइटिंग, यह आप अगर आप किसी थाने में किसी कॉग्निजेबल मामले को गए हैं, इंफॉर्मेशन को देने गए हैं, तो वह आप ओरली भी दे सकते हैं, मौखिक भी दे सकते हैं और इन राइटिंग लिख के भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं और राइटिंग में भी दे सकते हैं, दो हो गया। तीसरा, सब लिखा हुआ डायरेक्ट में, आप लोग अंडरलाइन करते चलिए, अगर इस अपराध की जानकारी जो आप इंफॉर्मेशन देने गए हैं अगर आप ओरली दे रहे हैं, इफ गिवेन ओरल, अगर कोई आदमी थाना जाकर ओरली किसी अपराध के बारे में बताता है, कॉग्निजेबल मामले के बारे में बताता है, इट शुड बी रिड्यूस टू राइटिंग, क्या किया जाएगा उसको, राइटिंग में लिखा जाएगा, राइट डाउन करेगा, वहां पे राइटर बैठा होता है, ठीक है ना, थाना इंचार्ज कहेगा जाके वहां पे लिखवा दीजिए, राइटर बैठा हुआ है या खुद राइट डाउन करेगा जो भी है, तो वहां पे जाकर, हाँ नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि वही राइट डाउन करेगा, ये कोई जरूरी नहीं कि वही राइट डाउन करेगा, जो भी इस काम के लिए नियुक्त होगा राइटर जो होगा, ठीक है ना, और राइटर किसी काम में व्यस्त है मान लीजिए, तो कोई भी जिसको आता है लिखने के लिए सही तरीके से वो लिखेगा, ओके, ठीक है, हाँ, तो इसको क्या करेगा, बस ध्यान क्या देना है कि ओरली जैसे ही देगा तो उसको रिड्यूस करेगा राइटिंग में, लिखेगा उसको, ठीक है, बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और अंडर हिज डायरेक्शन, वो जैसा डायरेक्ट करेगा, जाइए वहां लिखवा दीजिए या लाइए हम लिख देते हैं एसआई के पास, जो भी उस थाने इंचार्ज थाने में जो भी होगा उसको उस तरह का जहां डायरेक्शन देगा वो क्या करेगा, राइटिंग में उसको लिख लेगा, ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। उसके बाद जब वो लिख लेगा तो क्या लिखा है या पढ़कर इंफॉर्मेंट को सुनाया जाएगा, जो सूचना देने आया है उसको सुनाएगा, आप ऐसा ही बोले हैं ना, उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, इट शुड बी रीड ओवर टू इंफॉर्मेंट कि भाई आप ऐसा ऐसा हमको लिखाए हैं, ठीक, यहां तक भी ठीक है। इफ गिवेन इन राइटिंग और रिड्यूस इन राइटिंग शैल बी, जब वो पढ़कर सुना देगा तो क्या होगा, इट इफ गिवेन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग, अगर आप राइटिंग में लिखकर दिए हैं या उसने लिखा है, शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, आप लोग एफआईआर की एक कॉपी भी ले लेते हैं, ठीक है ना, या आप आपको जो जिसने इंफॉर्मेशन जो दिया है उसे साइन करवा लेगा कि आपने हमको ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है, ओके, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत, और क्या है बेरेक्ट देख लेते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट इस काम के लिए एक बुक जो है प्रोवाइड करता है, एक मतलब जो फॉर्मेट की तरह का एक बुक होता है, आप लोग मूवी वगैरह समय देखे होंगे, एफआईआर क्यों फारी मूवी देखे हो ना, तो उसने वो क्या हाँ, तो क्या कहता है उसमें, अरे ऐसे कॉपी बहुत मिलते हैं बाजार में, खरीद कर ला देंगे, नहीं भिजवा देंगे रजिस्टर, आप लोग ऑफिस का रजिस्टर देखे हैं, बताइए जरा, कोई वो वेरी गुड, हाँ यही पूछ रहे हैं राहुल, वेरी गुड, वो कैसे ऑफिस का रजिस्टर हो गया, वो
वो शुरुआत के पेज, शुरुआत में जब देखोगे ऑफिस के रजिस्टर में, उसमें कितना पेज है यह लिखा हुआ रहता है कि इस रजिस्टर में या इस पुस्तिका में इतने पेज हैं, है ना, लिखा हुआ रहता है। तब ना कहता है कि एफआईआर लिख लिए, पेज नहीं फाड़ सकते हैं बीच से आप, क्योंकि वो हाँ अभी प्रमाणित रहता है। तो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन शैल बी इंटर्न इन ए बुक इन सच फॉर्म एज ए स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ, जिसको स्टेट गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो वही जो प्रमाणित किया हुआ रहता है। इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इसको पुलिस एक्ट में सेक्शन 44 देखिएगा, पुलिस एक्ट में इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोई प्रैक्टिस करते हैं जानते हैं, इसको बोलते हैं जनरल डायरी, लिख लीजिए, इसको बोलते हैं जनरल डायरी, जनरल डायरी, ये सेक्शन 44 पुलिस एक्ट में एफआईआर की जो वो रजिस्टर होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब किया हो रहता है, उसका फॉर्मेट बना हुआ रहता है, इस तरीके से आपको लिखना है, ऐसे ऐसे पेज रहता है, समथिंग जो जानते ही आप लोग, ठीक है ना, उसको बोलते हैं जनरल डायरी, सेक्शन 44 पुलिस एक्ट। उसके बाद साइन हो गया, एक कॉपी साइन किया हुआ, एक साइन कर लेगा, उसको एक कॉपी इंफॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड शुड बी गिवेन टू इंफॉर्मेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप ऐसा ऐसा हमको लिखवाए हैं, साइन किया हुआ रहेगा, लीजिए आप एक कॉपी रखिए, बाद में फिर आप एज ए विटनेस आएंगे तो जरूरत पड़ेगी आपको, बाद में आप मुकर जाइएगा कि हम नहीं लिखवाए थे, एक कॉपी आपको हम दे रहे हैं। ओके, यहां तक क्लियर हो गया, ये चीजें आपका हो गया मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग एफआईआर, एफआईआर किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, एफआईआर में क्या क्या कंटेंट होगा, क्या लिखा, क्या क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या है एफआईआर करने का, लिखने का, वो चीज रहेगा इसमें, ठीक है, क्लियर। अब इसी में एक प्रोविजो दिया हुआ है, जो देखिएगा आप लोग बेरक में पलटिए फटाफट, जल्दी जल्दी आप लोग देखिए, प्रोविजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवेन बाय द वुमेन अगेंस्ट होम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 326A, कुछ कुछ सेक्शन लिखा हुआ है IPC का, देख लीजिएगा बेयर एक्ट में आप लोग, IPC का कुछ कुछ सेक्शन है वो याद रखिएगा, यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है 354A, 376, 326B, 326A, इस तरह के जो अपराध हैं IPC का, ठीक है, अगर इस तरह का कोई अपराध, ठीक है ना, जो महिलाओं के अगेंस्ट में होते हैं और कोई उसका गया है लिखाने, सच इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर, ये याद रखिएगा, जनरली ये प्रैक्टिसेस में है कि अगर कोई इस तरह के सेक्शन में आ रहा है, इस तरह के सेक्शन के लिए कंप्लेन करने आया है कोई, तो इस तरह के अपराध के लिए जो FIR होगा वो जो लिखा जाएगा किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखा जाएगा, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड होगा, क्लियर, सेक्शन 154 क्लियर। अब आइए, अब यहां से आपका बहुत तरह का क्वेश्चंस बनता है, कुछ कुछ केस रीड करेंगे आगे, फिर सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हमको आप बताइए इसका क्या ऑब्जेक्ट है या क्या इंपोर्टेंस है, FIR जो लॉज होता है, FIR हम लोग लॉज करवाते हैं, इसका क्या इंपोर्टेंस है, जनरली हम सोच के बताइए और सोच के देखिए इसका क्या क्या इंपोर्टेंस है इंफॉर्मेशन का, मैं FIR का, नहीं ट्रायल तो आपका इन्वेस्टिगेशन के दौरान चला जाता है, इसी के आधार पर आप इन्वेस्टिगेट शुरू करते हैं बिना इसके, हाँ इन जनरल एक सिंपल सा चीज बताते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी आया और पुलिस को सूचना दिया कि एक आदमी लाल रंग के मोटरसाइकिल से आया और मेरा चेन छीन के भाग गया, या आया लाल रंग के मोटरसाइकिल से, बुलेट था और उसने क्या क्या गोली फायर किया, तो पुलिस को एक यहां से क्या मिलता है, क्लू मिलता है इन्वेस्टिगेट करने का, समझे, कि अब वो पता करेगा कि टाउन में किसके किसके पास लाल कलर का बुलेट है, तो जनरल एक सिंपल सा यहां पे क्या होता है, आपका जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा मोशन में आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी हो जाती है थोड़ी सी,
ठीक, एक केस है, आप लोग केस लिखिए, बड़ा अच्छा केस है, एक केस आप लोग लिख लीजिए इस चीज के लिए। हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1972। हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1992 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है 773, 773। अब क्या है, अब इसमें बताया है कि इसका क्या पर्पज है, क्या ऑब्जेक्ट है एफआईआर का। दो पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट कहा है कि हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में कहा कि एफआईआर का जो रोल है, एफआईआर का जो इंपॉर्टेंस है या जो इसका जो ऑब्जेक्ट है, हम दो लाइन आपको पढ़ते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एज इट इज पढ़ देते हैं, उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा मेंस के क्वेश्चन के हिसाब से। सबसे पहला है टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, तो अभी जस्ट हम बात किए आपका क्रिमिनल लॉ में क्या है, आपका आपको पहले आप एफआईआर करवा दिए हैं मान लीजिए, तो उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, आप ट्रायल की बात किए हैं उसके बाद ट्रायल चलेगा ना, पहले तो इन्वेस्टिगेशन करके जो है चार्जशीट बनता है वो जमा होता है कोर्ट में, उसके बाद ना ट्रायल चलेगा, किसी एक्यूज को एक्यूज पकड़ में आएगा उसके बाद ना ट्रायल चलेगा, ओके। तो इसमें क्या होता है, ये आपका समझिए कि पहला फेज है, जब तक पुलिस को किसी मामले का इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा तो पुलिस तो उसको सपना तो आता नहीं है, उसको जादू की छड़ी तो उसके पास है नहीं, जब तक हम अपराध की सूचना नहीं देंगे पुलिस को, जरूरी नहीं कि हर तरह के मामले में पुलिस को ऑटोमेटिक पता चल जाए, और वैसे भी अब ये तो आज का डेट है, आपके पास मीडिया है, आपके पास सोशल साइट्स है, ये है, समझिए जब ये लिखा गया होगा उस वक्त पुलिस को जानकारी का एक माध्यम क्या होगा, होता आदमी ही कोई जाता होगा ना बताने के लिए, राहुल सुमन हाँ जन हाँ, अब तो चलो ठीक है, लोग फोटो खींच के व्हाट्सएप पर डालते हैं सबको पता चल जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म भी इतना है कि लोग तुरंत सुमोटो भी होता है, लेकिन पहले के जमाने में सोचिएगा कि एक पुलिस बल बहुत छोटा होता था, लोग की संख्या इतनी ज़्यादा थी, अपराध कहाँ कहाँ हो रहा है, घर में अपराध हो रहा है, घर से बाहर हो रहा है, तो जब तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन ही नहीं जाएगा तब तक तो आपका जो है ये आगे ही नहीं बढ़ेगा, आगे आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की करेगी। तो ये चीज़ें सबसे पहले जो लिखा गया हम पढ़ते हैं क्या है, इसमें कहा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंफॉर्मेंट इट सेट्स द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, यानी कि अब यहां से आपका जो है क्रिमिनल लॉ आपका मोशन में हो गया, एक चीज। सेकंड क्या कह रहा है, टू ऑब्टेन अर्ली इंफॉर्मेशन ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस फ्रॉम द इंफॉर्मेंट एंड पुट इन टू राइटिंग बिफोर द मेमोरी फिट्स। अब इसका जो है जब हम लोग पढ़ेंगे ना एफआईआर को, इसका एविडेंटरी वैल्यू जब पढ़ेंगे, एक तो यहां सिंपल सा चीज है कि चलिए ठीक है आप आए पुलिस को पता चला, पुलिस यहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जब इसका एविडेंटरी वैल्यू पढ़ेंगे हम वहां पे इसको कोरोबरेट करने में आसानी हो जाती है, समझिएगा, जब हम एविडेंटरी वैल्यू पढ़ेंगे तब इस चीज ये चीज ज्यादा आपको क्लियर हो पाएगा कि एफआईआर का क्या एविडेंटरी वैल्यू है, इसका कोर्ट में इसके कहां पे स्टैंड करता है, एक एफआईआर लिखा हुआ है और एफआईआर पर जो पुलिस चार्जशीट बनाई है या जिसने इंफॉर्मेशन दिया है वो कोर्ट जाके मुकर गया, तो इस एफआईआर का क्या यूज होगा, जब एविडेंटरी वैल्यू पढ़ेंगे तब आपको ये ज्यादा क्लियर हो पाएगा। पहले इस चीज को आप लिख लीजिए, जो लाइन है इसका इस केस का वो लिख लीजिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिज क्रिमिनल एक्टिविटी सो एज टू बी एबल टू टेक सुटेबल स्टेप्स फॉर द ट्रेसिंग एंड Bringing to book the guilty, जैसे अभी बताए थे, इसको पुलिस को ट्रेस करने में आसानी हो जाएगी और उसको नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है आसान हो जाएगा। अब बोले ना जैसे कि अब एक एग्जाम्पल दिए कि उसको लाल कलर की एक बुलेट से गया है, तुरंत क्या करेगा पुलिस, फोन कर देगा यहाँ पे आपके जो क्या बोलते हैं जहाँ पे गाड़ी का रजिस्ट्री होता है, रजिस्ट्रेशन जो होता है क्या बोलते हैं ऑफिस को, हाँ DTO ऑफिस, हाँ वहाँ फोन करेगा, पूछेगा कि हमारे टाउन में कितने, जितना भी रिकॉर्ड रहता है इसका, हमारे टाउन में ये कहाँ पे है, हमारे टाउन में कहाँ पे है किसके किसके पास बुलेट है और लाल कलर की बुलेट है, तो पुलिस को एक आसानी हो जाएगी आगे स्टेप बढ़ाने में। तो ये इसका एक्चुअली क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है एफआईआर का।
और एक इंपॉर्टेंस एफ आई आर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका जो एविडेंट्री वैल्यू पढ़ेंगे ना, और एक चीज़ क्लियर हो जाएगा इसमें, इसको कॉरोबरेट करने में काम आता है, जिसका काम हम लोग ये सब ये हम लोग इसको एज इट इज एविडेंस की तरह नहीं लेते हैं, हम लोग इसको ये फुल फ्लेज एविडेंस नहीं मानता है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाता है एफ आई आर को, लेकिन कॉरोबरेट करने में आसानी होती है। क्लियर, वो आगे एविडेंट्री वैल्यू में देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर, हम लोग देख लिए ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस देख लिए, इसेंशियल देख लिए या माइनर देख लिए, जो उसका एफ आई आर का रिकॉर्डिंग क्या होगा। एक बड़ा आसान सा और लोगों के दिमाग में अक्सर एक प्रश्न उठता है कि अगर आपका एफ आई आर लेने से अगर रिफ्यूज कर दे, आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर पुलिस एफ आई आर ना लिखे, ये सब कंप्लेन आप लोग बहुत सुनते हैं, पुलिस एफ आई आर नहीं ले रही है, अगर पुलिस एफ आई आर लेने से अच्छा, तो आप एक सिंपल सा ये सवाल तो बोल दिए कि सर कोर्ट से करेंगे, उससे पहले भी एक स्टेप है, सेक्शन 154 का सब सेक्शन 3 देखिए, इस प्रश्न का जवाब जो है वहां लिखा हुआ है, सब सेक्शन 3 हम पढ़ते हैं फिर इसको हम जवाब देते हैं इसका। एनी पर्सन एग्री बाय रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रेफर्ड इन सब सेक्शन 1, यानी कि सब सेक्शन 1 में कहा है कि आप एफआईआर करवाएंगे, आप गए एफआईआर करवाने के लिए, पुलिस रिफ्यूज कर दिया, आपका रिफ्यूज कर दिया तो आपको गुस्सा आ गया, आप एग्री पार्टी हो गए, उसी के लिए लिख रहा है, मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न हु इफ सेटिस्फाई दैट सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल आइदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस। अब देखिए क्या इसका सबसे पहला, ये तो आप लोग बात की बात बोल दिए कि मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन फाइल करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या क्या करना है आपको, इससे पहले आप अपने इंफॉर्मेशन को, आप जो इंफॉर्मेशन देना चाहते थे उस इंफॉर्मेशन को क्या कीजिए, बाय पोस्ट उस जगह के एसपी को भेज दीजिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज दीजिए, ठीक है। थाना को तो देने गए, लिया नहीं थाना ना, किसको, थाना को, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी प्रोसीजर है, लेकिन अब एक चीज अब लेकिन अब सिंपल सा क्या है, सिंपल सा रूल है कि आप तो बहुत ज्यादा एक्टिव वो कर लिए, सिंपल सा जाने से रिफ्यूज कर दिया लेने से, तो आप तो एविडेंस के तौर पे हम थाना को दिए थे, आप क्या किए, मान लीजिए एक थाना को भी आप रजिस्ट्री कर दिए, कुरियर कर दिए, जो भी कर दिए, लेकिन सिंपल सा है कि हाँ, लेकिन अब सवाल क्या है कि एफआईआर लॉज नहीं हुआ आपका, आप क्या करेंगे, एसपी को भेज देंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, सुपरिटेंडेंट पुलिस को भेजने के बाद अब उसके पास क्या पावर है, तो सुपरिटेंडेंट पुलिस क्योंकि कॉग्निजेबल मामला के लिए आप किए हैं, या तो वह खुद उस चीज की जांच करेगा या अपने किसी सबॉर्डिनेट को कहेगा कि इस चीज की जांच करो, और उसके पास वो सारा अधिकार होगा जो कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का होता है। क्लियर, नहीं नहीं हाँ बिल्कुल, आप तो ये लगा के ही देंगे कि हम थाने को देने गए, थाना मना कर दिया, हम आपको भेज रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमारी और आपकी एज ए मतलब कि एज ए इन्फॉर्मेंट और एज ए एसपी है, लेकिन डिपार्टमेंटल तो उसको डांट लगाएगा ही ना लगाएगा, डिपार्टमेंटल तो अंदर अंदर डांट लगाएगा, तुम्हारे पास एफ आई आर जब लेने आया तो तुम लिया क्यों नहीं एफ आई आर, तुम लिखता, झूठ का हमको हर बात के तुम लोग परेशान करते हो, तुम्हारा काम है एफ आई आर लेना, मेरा काम थोड़ी एफ आई आर लेना है, ये तो इंटरनली उसको डांटेगा ना वो,
आपके सामने थोड़ी डांटेगा। हाँ, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो चला जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ से ले आएगा ऑर्डर, तब तो लेना ही पड़ेगा। तो वो पूरा प्रोसीजर। अच्छा, आप रजिस्ट्री कर देते हैं, किसी भी ऑफिस का एक नियम क्या है कि आपके ऑफिस में जो भी आता है ना लेटर, वो लिखा जाता है। आप लोग भी किसी ऑफिस में लेटर भेजे होंगे, तो उस ऑफिस में कौन कौन सा लेटर आया, लेटर का वो लिखा जाता है कि आज कौन सा लेटर आया और उस ऑफिस से कौन सा लेटर डिस्पैच हुआ, इसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। इसका मतलब कि लिखा जाता है ऑफिस ऑफिस डायरी में, ऑफिस के रजिस्टर में। तो यह भी एक प्रूफ हो जाता है कि आपको एफआईआर गया आप नहीं लिए, समझे। हाँ, तो एक हम लोग जो है इसलिए कहता है कि इसको बाय पोस्ट भेजिए इसको, ठीक है ना, क्योंकि लेने आप जाइएगा हो सकता है मना कर देगा वो भी, तो बाय पोस्ट भेज दीजिए। यह भी आपके लिए एविडेंस होगा कि हमने आपने गया था एविडेंस आती वो एफआईआर लिखवाने। चलिए, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर, बिल्कुल लेना ही होगा। उसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप है ना कोर्ट का, कोर्ट में तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। हाँ, तो जनरली अब देखो, एक्चुअली ऐसे सोचो जरा, आप इन्फॉर्मेंट हैं, ठीक है, ऐसे सोचिए जरा कि आप उससे अगर डायरेक्ट कनेक्टेड हैं तो इतना दूर आप जा सकते हैं कि पहले थाना गए, बाय पोस्ट किए, तब आप मजिस्ट्रेट के पास गए। लेकिन अगर आप सिर्फ एक सिंपल इन्फॉर्मेंट हैं, मतलब ऐसे सोचो जरा कि हम गए यहाँ से और देखे क्या कि जो एक मारपीट हो रहा है रोड पे, ठीक है ना, या गोली मार दिया है, हम ऐसे ही बाईपासर, मतलब कि बाईपासर हैं, ठीक है ना, हम सिर्फ उस के जाने वाले लोग हैं ना, हम उससे इंटरेस्टेड पार्टी ना उससे इंटरेस्टेड पार्टी हैं, कोई मतलब नहीं हमको। ओके, हम गए थाना में कहने के लिए ये बात, वो भगा दिया, भागो हमको अपने पास फुर्सत नहीं है, हरका दिया। तो अब तुम्हारे पास ये तो तुम्हारा आप अब उसको अगर आप ड्यूटी मानोगे एज ए सिटीजन, तभी आप इतना जाओगे कि एसपी को आप लिखोगे, क्या क्या कहते हैं फिर उसको, मजिस्ट्रेट के पास जाओगे, हाँ या ना। नहीं तो इन जनरल वे में लोग क्या करता है, अरे यार छोड़ो यार, कौन माथा दर्द करे, सरदर्दी कौन मोल ले। तो जनरली ये चीज़ें होती है इन प्रैक्टिकल, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, ठीक है ना। अब तो इससे भी अब आ रहा है जीरो एफआईआर, सुनते ही हैं आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद अब नियम क्या है कि आपको फोन से भी आप करेंगे तो वह भी एफआईआर बन जाएगी। तो ये सब केस में आगे आगे आया है, जैसे जैसे सिचुएशन गड़बड़ होती चली गई है वैसे वैसे जो है सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देते गया है इन सब चीजों पर। आइए आगे देखते हैं हम लोग, ये हम लोग देख लिए, व्हाट्सअप, बिल्कुल बिल्कुल ये भी चीज आ रही है। अब आप मतलब एविडेंस भी हो गया और सिंपल बोले ना कि एफआईआर का आप कहिएगा कि कोर्ट में बहुत ज्यादा एविडेंट्री वैल्यू रखेगा, ऐसा नहीं है। यह सिंपल सा वे क्या है, आपको इंफॉर्मेशन देना है कि पुलिस तब ना एक्टिव होगी जब आप उसको किसी बात का इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि हर एक घर में हर एक आदमी के आप हाँ हाँ बिल्कुल नहीं 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 आप सही बोल रहे हैं, हम उस सेंस में नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप व्हाट्सअप कर दिए उसको, ठीक है ना, यह भी काफी है। हम तो आज के सेंस में शुरुआत में ही बोल दिए कि अब तो ऐसा जमाना है कि आप तो उसी को क्यों, आप तो पास सोशल मीडिया है, आप डाल दिए, पुलिस थाना को भेज दिए, एसपी को भेज दिए, डीआईजी को भेज दिए, आईजी को भेज दिए, ग्रुप में डाल दिए, पुलिस के कोर्ट के ग्रुप में डाल दिए, ऑटोमेटिक वायरल हो गया। नहीं, ये सिचुएशन उस वक्त की रही है, हाँ ये सिचुएशन उस वक्त की रही है जब हमारा ये एक्ट है जब का, उस वक्त तो आप जाते थे पुलिस ऑफिस, वो नाम पुलिस स्टेशन, हम और आप तो जाते थे और वो एफआईआर नहीं लेता था, वो जब लिखा गया होगा उस वक्त के सेंस में सोचिए। अब तो मजबूरी है लेना, अब तो इतनी मीडिया एक्टिव हो गई है कि अब तो वो छोटी छोटी बात पर भी एक्शन लेता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, एक केस है, केस सुनिएगा जरा आप लोग। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस
स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस रूसी मिस्त्री, RUSY MISTRY, रूसी मिस्त्री, 1960 का केस है, 1960 का। अब इस केस में सुनिए क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि आपका जो FIR है वह किस चीज से रिलेट करना चाहिए या करता है, वो कह रहा है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करता है, एंड विच इज फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ विच द इन्वेस्टिगेशन इन टू दैट ऑफेंस इज कमेंस्ड। और ये जो लाइन है इज फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, पहली बार ये होना चाहिए। FIR का मतलब ही है कि आप पहली बार वो सुने, यानी कि ये जो हमारा जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो इन्फॉर्मेंट बोल रहा है, ऑफिसर इंचार्ज पहली बार उस चीज को जान रहा है, समझे। ये बड़ा क्या कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जैसे ही दूसरी बार होगा वो FIR नहीं होगा। ये चीज समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। इसमें ये चीजें हैं, ये जो आपको ये मतलब कि कभी कभी कोर्ट से ये सब बड़ा वो हो जाता है इसमें, कि वो चीजें बाद में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाता है। मान लीजिए क्या है कि हम गए थाने में और थाने में कहे कि एक आदमी की लाश वहां पड़ी हुई है। ये पहली बार हम किसको बताए, ऑफिसर इंचार्ज को बताए कि जब सुबह सुबह हम जा रहे थे तो हम देखे क्या वहां पे एक आदमी की लाश पड़ी हुई है, नग्न अवस्था में है एक आदमी की लाश, या कटा हाथ पर कटा हुआ है, जो भी चीज हम देखे हम बताए। ये पुलिस क्या की, रिड्यूस कर ली, रिड्यूस इन राइटिंग, लिख लिया उसको, हमसे साइन करवा लिया, ओके। इसके बाद क्या हुआ, अब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा, 10 मिनट बाद, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद पुलिस को फोन चला गया, ओके, कि हेलो हेलो वहां पे यहां पे एक लाश पड़ी हुई है इस जगह पे। ये जो दूसरा वाला हिस्सा होगा यह FIR का पार्ट नहीं होगा, समझे, हाँ या ना। हाँ, जो दूसरे इंफॉर्मेशन दिया उसी ऑफेंस के लिए वह FIR का पार्ट नहीं होगा। FIR फर्स्ट इन पॉइंट, उसमें लिखा गया है क्या वर्ड है पर हम पढ़ देते हैं, फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, जो पहली बार दिया गया, हम पहली बार जाके इन्फॉर्म किए, हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन। क्लियर, हाँ, बस यही आपका FIR का यहां तक है। फिर आगे इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आगे इसका आइडेंटिटी वैल्यू देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो वही बहुत काम का चीज है हमारा, ओके। उसके बाद ये मैंडेटरी है या नहीं है, किन किन मामलों में पुलिस जो है बिना FIR के, या क्या कहते हैं, बिना इन्वेस्टिगेशन के FIR नहीं लिखेगी। बहुत ऐसा सिचुएशन भी होता है कि आप गए FIR कराने के लिए, पुलिस कहेगी ठीक है हम FIR लिख लेते हैं, पहले हमको थोड़ा जांच कर लेने दीजिए, ओके। किन किन ऐसे मामलों में ऐसा होता है, तो जैसे कि मैट्रिमोनियल मामले सब में जब जाओगे पत्नी के खिलाफ कंप्लेन करने, या पति के खिलाफ कंप्लेन, को मेरे साथ मारपीट किया, तो जनरली पुलिस क्या करेगा, फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं लिखेगा FIR, लेकिन हमको पहले तो पूछताछ कर लेने दीजिए, उसके बाद उसको क्या FIR में बना कन्वर्ट करता है उसको, ठीक है ना। तो ये सब भी देखेंगे हम लोग आगे, ओके, चलिए आज, हाँ, बाकी हम लोग कल के क्लास में इसको करते आगे।